नमस्कार जनप्रभात सूर्यफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तपोवन टनल में पानी भरने से रोका गया, ऑपरेशन फिर से शुरू। पुलिस की लोगों से अपील, सतर्क रहें और घबराएं नहीं। चमोली त्रासदी में श्रीनगर तक SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी, हादसे में लापता लोगों की तलाश कर रही टीमें। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तपोवन का किया दौरा, कहा किसी के हाथ में नहीं है तपोवन जैसी प्राकृतिक आपदा। पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को रखा सामने। पीएम बोले दीनदयाल का एकात्म मानव दर्शन हमेशा रहेगा प्रासंगिक, राजनीतिक विरोधियों का सम्मान करना हमारे संस्कार में शामिल। LAC को लेकर रूसी समाचार एजेंसी TASS ने किया बड़ा दावा, कहा भारत से झड़प में गलवान में मारे गए थे चीन के 45 सैनिक। LAC से सेना हटाने के समझौते पर राहुल गांधी ने पूछा सवाल, कहा हमारे जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है सरकार। JP नड्डा ने बंगाल में 3 जगहों से शुरू किया परिवर्तन यात्रा, चौथी यात्रा को गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। अमित शाह ने कूच बिहार में एक चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा ऐसा बंगाल बनाएंगे कि परिंदा भी घुसपैठ नहीं कर पाएगा। अमित शाह बोले चुनाव खत्म होते ही बंगाल का ऐसा होगा माहौल कि जय श्री राम करती नजर आएंगी CM ममता बनर्जी। प्रियंका गांधी ने मौनी अमावस्या पर संगम में लगाई श्रद्धा की डुबकी, खुद ही नाव चलाकर पहुंची घाट की पूजा अर्चना। योगी सरकार के हेलीकॉप्टर ने श्रद्धालुओं पर की फूलों की बारिश, CM योगी बोले संगम में आस्था की डुबकी सभी के लिए हो मंगलमय। ट्विटर समेत सभी सोशल प्लेटफॉर्म को रविशंकर प्रसाद की चेतावनी, का आजादी जरूरी लेकिन गलती करने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। RLD के नेता जयंत चौधरी समेत 5000 लोगों पर केस दर्ज, पुलिस ने बिना अनुमति लिए आयोजित की थी पंचायत। अखिल गोगोई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, असम में CAA विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी गिरफ्तारी। आगामी विधानसभा चुनावों में 1 घंटे बढ़ाया जाएगा मतदान का समय, सभी दलों की सिफारिश पर चुनाव आयोग ने लिया फैसला। देश भर में 70 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोरोना के टीके, कम दिनों में ज्यादा टीकाकरण करने वाला पहला देश बना भारत। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच तनातनी, कोश्यारी को नहीं दी सरकारी विमान के उपयोग की मंजूरी। 13 फरवरी को नहीं होगी राज्यसभा की बैठक, वित्त मंत्री शुक्रवार को ही उच्च सदन में बजट चर्चा पर देंगी जवाब। 3 दिन पहले ही खत्म हो सकता है राज्यसभा का पहला सत्र, 8 मार्च से राज्यसभा के दूसरे सत्र की हो सकती है शुरुआत। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1000 करोड़ का जमा हुआ चंदा, चंपत राय बोले धन संग्रह का सही अनुमान लगाना है कठिन। केंद्र के 340 अधिकारियों को समय पूर्व किया गया सेवानिवृत्ति, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र बोले अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने पर हुई कार्रवाई। सचिन पायलट ने भाजपा को बताया यूटर्न लेने वाली पार्टी, बोले कृषि कानूनों पर कांग्रेस का रुख साफ, गलत चीजों का समर्थन नहीं। कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंचा भारत का गैस उत्पादन, KG-G6 फील्ड से उत्पादन शुरू होने के बाद हासिल किया लक्ष्य। चिदंबरम ने सरकार पर लगाया मांग पैदा करने में विफल रहने का आरोप, बोले अकुशल आर्थिक कुप्रबंधन के चलते GDP में आई कमी। निर्धारित समय पर पेश नहीं होगा असम विधानसभा में बजट, राज्यपाल के अभिभाषण से टकराने की वजह से टाला गया कार्यक्रम। ब्लू स्टार ने पेश किया वैक्सीन भंडारण के लिए वाणिज्यिक रेफ्रिजरेटर, तापमान नियंत्रित करने और सुविधाजनक परिवहन में होगी आसानी। विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा, वीरेंद्र सिंह मस्त के परिवार के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप। विपक्ष ने लगाया बजट में आंकड़ों की बाजीगरी करने का आरोप, का आम आदमी को राहत नहीं निजीकरण पर दिया गया जोर। विपक्ष के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने बजट को बताया आशा की किरण, बोले समाज के सभी वर्गों ने की प्रशंसा, देश बनेगा आत्मनिर्भर। केरल से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए जरूरी होगी RT-PCR, CM उद्धव ठाकरे बोले कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उठाया कदम। तेलंगाना CM के चंद्रशेखर राव के विवादित बयान पर मचा हंगामा, जनसभा में कुत्तों से की प्रदर्शनकारियों की तुलना। 24 नई घरेलू उड़ान सेवा शुरू करेगी SpiceJet, जैसलमेर से दिल्ली और अहमदाबाद जाना होगा आसान। भारत में बंद होगी दुनिया भर में संचालित निजी क्रिप्टो करेंसी, आधिकारिक डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी ट्विटर पर आने की नहीं मिलेगी अनुमति, कंपनी ने कैपिटल हिल की घटना को बताया कारण। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने EVM और कांग्रेस पर दिया बयान, बोले राजस्थान और पंजाब में सरकार बनाने वाले ना करें EVM का विरोध। सुप्रीम कोर्ट का कामकाज हिंदी में कराने के लिए उठी मांग, अठावले ने राज्यसभा में कानून बनाने की बुलंद की आवाज। MP में 22 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र पर कांग्रेस का ऐलान, का विधानसभा सत्र में नारियल लेकर जाएंगे कांग्रेसी विधायक। बिहार के मंत्री नितिन अपने पिता का फोटो लेकर पहुंचे सचिवालय, मंत्रालय में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विभाग का संग्रहण किया पदभार। हिमाचल के शिमला में जिला परिषद चुनाव में BJP को लगा झटका, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने जमा लिया है अपना कब्जा।
उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक आदेश से अफसरों में मचा हड़कंप का 15 फरवरी से विधानसभा स्तर पर करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। यूपी के कासगंज के बाद मैनपुरी पुलिस पर किया गया हमला, चिरौली गांव पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने जमकर किया पथराव। सीपीआई नेता सलीम ने टीएमसी और बीजेपी पर बोला हमला, बोले विभाजनकारी राजनीति करने वाले हैं एक ही स्कूल के नेता। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने दिल्ली में बीजेपी पर दिया बयान, बोली बीजेपी को लेकर बंगाल के अल्पसंख्यकों को सता रहा है डर। कासगंज कांड का मुख्य आरोपी अब तक चल रहा है फरार, पुलिस ने फरार मोती पर घोषित किया 50,000 का इनाम। मकबूल भट्ट की 37वीं बरसी पर कश्मीर में दिखा बड़ा असर, तिहाड़ जेल में मकबूल भट्ट को 1984 में दी गई थी फांसी। भारत को इंग्लैंड से मिली करारी हार में गेंद ने भी निभाई भूमिका, बीसीसीआई ने निर्माता से गेंद की क्वालिटी चेक करने को कहा। कप्तान कोहली और अश्विन ने गेंदों की क्वालिटी को लेकर की थी शिकायत, भारत इंग्लैंड के सीरीज में एसजी गेंदों का हो रहा है इस्तेमाल। तेज गेंदबाज टी नटराजन फिर बन सकते हैं भारतीय टीम का हिस्सा, इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में किया जा सकता है शामिल। असम सरकार ने फर्राटा धाविका हिमा दास को बनाया डीएसपी, सीएम सर्वानंद सोनोवाल बोले इससे ओलंपिक तैयारी में होगी आसानी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात, नमस्कार।